उत्तराखंड की, जी हां, देहरादून की बात करते हैं, जहां पर 2000 से ज्यादा निजी अस्पतालों की ओपीडी बंद रहेगी। 24 घंटे के लिए ओपीडी बंद रखने का ऐलान कर दिया गया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर ओपीडी बंद रहेगी। नेशनल मेडिकल कमीशन बिल का विरोध इनकी ओर से किया जा रहा है और ओपीडी बंद रहेगी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर ओपीडी बंद रहेगी। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए देहरादून से नासिर हुसैन हमारे संवाददाता फोनलाइन पर जुड़े हैं। नासिर, 2000 से ज्यादा निजी अस्पतालों की ओपीडी बंद रहेगी, आप जनता परेशान होगी, क्या कुछ मांग है इनकी? देखिए, जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है उसकी जो उत्तराखंड यूनिट है उसने बंद का आह्वान किया है। हालांकि जो बंद रखा गया है पूरे देश भर में बंद रखा गया है, लेकिन उत्तराखंड में करीब 2000 से ज्यादा जो निजी अस्पताल हैं वो आज उनकी ओपीडी बंद रहेगी। सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर तमाम सेवाएं बंद रखी गई हैं, क्योंकि नेशनल मेडिकल कमीशन बिल के विरोध में ये बंद का आह्वान किया गया है। लगातार इस बिल का इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इसका विरोध कर रही थी, और अब जब इस बिल को लाया गया है तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है वो इसके विरोध में उन्होंने आज एक दिन का बंद किया है। हालांकि उन्होंने कहा है कि अगर जल्द ही इस बिल को उनके अनुरूप नहीं जाता या इस बिल को खत्म नहीं किया जाता है तो वो लगातार आंदोलन जारी रखेंगे, लेकिन आज एक दिन का उन्होंने बंद रखा है। हालांकि एक दिन के बंद से काफी दिक्कत मरीजों को उठानी पड़ सकती है, क्योंकि जिस तरीके से कहीं ना कहीं अगर एक दिन की ओपीडी बंद रहती है तो खासी दिक्कत का सामना लोगों को करना पड़ता है, और आज तो करीब 2000 निजी अस्पतालों को ओपीडी बंद रखने का आह्वान किया गया है। नासिर, ये जो रोष जताया जा रहा है एक तरीके से, जो है इस बिल का विरोध जो किया जा रहा है, सरकार का क्या रुख है इस पर? सरकार क्योंकि इस बिल को ला रही है तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन लगातार इसका विरोध कर रही है तो सरकार तो यही चाहेगी कि डॉक्टर इसका विरोध ना करें और इस बिल को एक्सेप्ट करें। हालांकि इस बिल में कुछ ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं डॉक्टरों को लगता है कि वो उनके खिलाफ जा रही है, और शायद यही वजह है कि लगातार इस बिल का विरोध किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नासिर हुसैन, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी हम लेंगे। तो आपको बता दें कि 2000 से ज्यादा निजी अस्पतालों की ओपीडी बंद रहेंगी। देहरादून से यह अहम खबर आपको बता रहे थे।